जांच का दायरा बढ़ा रही है। वैसे चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं, अवैध तरीके से हासिल की गई राशि का लाभ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को मिला है। उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली है, मॉनसून के कारण अब काफी जगह बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान के बहुत चर्चित और भरतपुर रियासत के राजा मान सिंह हत्याकांड में 14 आरोपी में 11 को दोषी ठहराया, 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। दोषियों की सजा पर बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने राजस्थान सरकार के खिलाफ दिया बड़ा बयान, उन्होंने कहा सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। राजीव गांधी हत्या के मामले में दोषी नलिनी ने जेल में आत्महत्या करने की कोशिश, कहा कि जेल में कैदी के साथ झगड़ा करने के बाद नलिनी ने आत्महत्या की कोशिश की है। कोरोना वायरस महामारी के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों में लिया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कोरोना काल में मोदी सरकार की 7 महीनों की उपलब्धियां गिनाई हैं। कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 5 लाख के इनामिया विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश का पुलिस अभी तक कोई पता नहीं लगा सकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह केंद्रीय एजेंसियों एवं धन बल का इस्तेमाल करके विपक्ष शासित राज्यों की चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास के लिए साजिश रच रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला, कहा यहां के लोगों को नजरअंदाज किया, इसलिए पश्चिम बंगाल के लोगों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। भाजपा देश की अब तक की तोड़फोड़ करने वाली सभी बड़ी पार्टी, बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र ने बंगाल को संसाधनों से वंचित किया है।